बधाई बाजत दशरथ द्वारे, बधाई बाजत दशरथ द्वारे, बधाई बाजत दशरथ द्वारे, बधाई बाजत दशरथ द्वारे। हे दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानहु ब्रह्मा नंद समाना, बधाई बाजे बधाई बाजे दशरथ द्वारे, बधाई बाजे दशरथ द्वारे, बधाई। परमानंद पूरी मन राजा, परमानंद पूरी मन राजा, देव बुलाई बजावहु बाजा, बधैया बाजे हो। दशरथ द्वारे, परमानंद पूरी मन राजा, परमानंद पूरी मन राजा, हे बुलाई बजावहु बाजा, ये बधाई बाजत दशरथ द्वारे, बधाई बाजत दशरथ द्वारे, बधाई। सर्वसदान दीन सब काहु, सर्वसदान दीन सब काहु, जेहि पावा राखा नहीं काहु, जेहि पावा राखा नहीं काहु, भैया बाजे भैया बाजे, मृगमद चंदन कुमकुम कीचा, मृगमद चंदन कुमकुम कीचा, मची शकल दीथिन बीच बीचा, बधाई बाज दशरथ द्वारे, बधाई बाज दशरथ द्वारे, बधाई। कौशल किशोर की जय। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्ना इति संज्ञया गुरुदेव वशिष्ठ ने नामकरण किया और भगवान की सुंदर बाल लीलाएं हुई भागवत में, तो बड़े ही एक श्लोक में ही सब वर्णन कर दिया। बाल लीलाएं हुई और सुंदर चूड़ाकरण हुआ, यज्ञोपवीत हुआ, विद्याध्यन हेतु गए, अल्पकाल में समस्त विद्याएं प्राप्त की और फिर वापस महलों में लौट आए। भगवान श्री राम की सुंदर लीलाएं शंकर जी ने भी देखी हैं, काक सुंदर जी ने भी देखी हैं। सखी कहती है अब देश के द्वारे सकारे गई, सुत गोद में भूपति लेनी कसे, अब देश के द्वारे सकारे गई, सुत गोद में भूपति लेनी कसे,
अब लोकी हो सोच विमोचन को अब लोकी हो सोच विमोचन को ठगसी रही जे न ठगे दिख से ठगे न ठगे दिख से तुलसी जन रंजन मंजुल अंजन तुलसी जन रंजन मंजुल अंजन नयन सुखंजन जातक से जातक से सजनी सस में समशील सजनी सस में समशील नवनील सरोरुह से सर से नवनील सरोरुह से सिर से परदंत की पंगति कुंद कली अधराधर पल्लव खोल भरदंत की पंगत कुंद कली अधराधर पल्लव खोल चपला चमके घन बीच जगे चपला चमके घन बीच जगे छवि मोति माल अमोलन की छवि मोति माल कुंडल लोली कपोलन की कुंडल लोली कपोलन की उछावर प्राण करे तुलसी उछावर प्राण करे तुलसी बलिदान ललायन बोलन की बलिदान और ठुमुक ठुमुक चलते हैं महाराज दशरथ के आंगन में। मैया ने मालपुआ दे दिया, काकभुसुंडी को मालपुआ दिखाते हैं, ललचाते हैं। काकभुसुंडी ने झप्पा मारा, उड़ गए, सप्तावरण पार कर गए, भगवान की भुजा बढ़ने लगी, ब्रह्मलोक में भुजा पहुंच गई, दो अंगुल का अंतर है केवल। अब काकभुसुंडी में जाना भगवान ब्रह्म है, लौटे चरणों में गिरना चाह, भगवान ने श्वास के माध्यम से उदर में रख लिया। उदर में काकभुसुंडी ने देखा, उदर माँ जो सुन मंडज राया, देखे बहु ब्रह्मांड निकाया, देखी माया बहु विधि, बाढ़ी अति सभीत जोरे कर ठाढ़ी। एक एक ब्रह्मांड में सौ सौ कल्प रहे और बाहर दो घड़ी का ही समय हुआ, और भगवान हंस पड़े। काकभुसुंडी बाहर निकल आए, चरणों में गिरे, भगवान ने कहा वरदान मांग लो, तो अनपायनी भक्ति मांगी भगवान की। काकभुसुंडी जहां तुम रहोगे हमारी माया व्याप्त नहीं होगी। ये आनंद भगवान शंकर भी लेते हैं, रामलला का दर्शन करते हैं। भगवान शंकर पार्वती से कहते हैं, देवी औरह सुनो हूँ एक मम चोरी, औरह सुनो एक मम चोरी, सुन गिर जायती दृढ़ मत तोरी, काकभुसुंडी संग हम दो, काकभुसुंडी संग हम दो, मनुज रूप जाने नहीं को, मनुज रूप जाने नहीं को, परमानंद मगन मन फूले, परमानंद मगन मन फूले, हे फिरत सकल बीति बिच भूले, फिरत सकल बीति बिच भूले। मदारी का वेश बना करके भोले बाबा ने काकभुसुंडी को बानर बना लिया और रामलला के दर्शन किए। ऐसी सुंदर भगवान की सुंदर बाल लीलाएं हैं। आज महाराज दशरथ के आंगन में मंगल के भवन अमंगल के हरण करता दशरथ अजीर बिहारी भगवान
सुंदर सुंदर लीलाएं करते हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय। बोलो प्रभु रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। और परीक्षित जी पूजन करो भगवान का, और भी जो भक्त माताएं बहने पूजन करना चाहें साक्षात भगवान विराजमान हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, कौशल्या के प्यारे राम, कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, भक्तों के रखवारे राम, भक्तों के रखवारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, समस्त बाल लीलाएं की और गुरुदेव के यहां पढ़ने गए, अल्पकाल में समस्त विद्याएं प्राप्त की और तदुपरांत तो विश्वामित्र ध्वरे मारी चाद्यालिशाचरा। महाराज विश्वामित्र जी के यज्ञ को ताड़का स्वभाव मारीच विघ्न करते थे। उन्होंने महाराज दशरथ जी से याचना की, गुरुदेव वशिष्ठ की सम्मति हुई, संस्तुति हुई और तदुपरांत तो राम लक्ष्मण को लेकर के एक ही बाण से ताड़का का उद्धार कराया और फिर बिन फर बाण से मारीच को सागर पार फेंका। शुभाव का सैन्य दलन किया और यज्ञ पूर्ण हुई। बोलो यज्ञ भगवान की जय। मिथिलाधिपति विदेह शीरथवत महाराज, इनके राज्य में रावण ने ऋषियों का रक्त गाड़ दिया था, जिसके कारण इनके राज्य में 12 वर्ष का काल पड़ गया। देवर्षि नारद के कहने पर जनक ने सुनैना रानी के साथ हलकर्षण किया और बैसाख शुक्ल पक्ष नवमी मंगलवार मध्य दिवस वैदेही जानकी का अवतरण हुआ, प्रकट हुई भूमि से भूमिजा। बोलो सीता देवी की जय। सीता नवमी बैसाख शुक्ल पक्ष नवमी सीता नवमी के नाम से प्रसिद्ध हुई। ये आदि शक्ति हैं उद्भव स्थित संहार कारिणीम क्लेश हारिणीम सर्वश्रेष्ठ करीम सीताम न तो हम राम वल्लभाम। और भक्तों, जब 5 वर्ष की हुई जानकी जी तो जनक के भवन में एक विशाल धनुष है भगवान शंकर का, ब्रह्मर्षि दधीच की अस्थियों से निर्मित विशाल धनुष। महाराज
आज जानकी ने उसे बाम पानी से उठाकर रजगो की वेदिका को लीप दिया। तब जनक ने प्रण किया, जो भी वीर पुंगो अपने कर कमलों से अजगो की मौरवी को कर्ण पर्यंत कर्षित करेंगे, उन्हीं के कलकंठ में वैदेही महामान्या मैथिली बाल्यार्पण करेंगे। ये प्रण सुनकर के द्वीप द्वीप के नरेश मिथिला की ओर जा रहे हैं। द्वादश मास से अनवरत संचालित मैथिली महाधिवेशन अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सका। धनुष की सूचना सुनकर के महाराज विश्वामित्र जी बोले, राम लक्ष्मण चलो धनुष की दिखा लावे। चले हैं राम लक्ष्मण 10,000 महात्माओं के साथ। प्रथम प्रवास सोनभद्र नदी के तट पर हुआ, दूसरा मैया गंगा के तट पर, और तीसरे दिन मार्ग में अहिल्या का उद्धार करा दिया। हाँ, इनको ले जाओ, विराजमान करो महाराज। ललिका श्रमित उन्नींद बस शयन करा, वो जाए विश्राम कराओ। तो जय हो। तो भक्तो, बड़ा सुंदर स्वरूप है भगवान का। बोलिए प्रभु रामचंद्र भगवान की जय। और भक्तो, उस समय आज अहिल्या का उद्धार करके जनक नगर में गए। जनक जी ने भगवान को देखा तो सहज विराग रूप मनमोरा, थकित होए जिमि चंद्र चकोरा की स्थिति हो गई। सुंदर सदन सुखद में ठहराया, और तब लक्ष्मण के हृदय का भाव जानकर भगवान श्री राम ने नगर भ्रमण किया है लक्ष्मण के साथ। जो देखता है वही आनंदित। तब रामायण की कथा हो तो विस्तार से कहे राम कथा, वो नवान्य प्राण अलग हम करते हैं, यहां भी एक बार कर चुके। सन 14 में शायद हुई थी 9 दिन राम कथा। अब राम कथा संक्षेप में ही चूंकि वर्णन करना है। नगर भ्रमण हुआ, लौट कर आए गुरुदेव के चरण चापे, प्रातःकाल हुआ, गुरुदेव पूजा में बैठे हैं। समय जानी गुरु आये सुपाई, लेन प्रसून चले दो भाई, लेन प्रसून चले दो भाई। पुष्प लेने के लिए चले, पूजा गुरु जी की कर होनी है। नृप बहुल मैथिल प्रदेश में पुष्प दिखलाई नहीं पड़ रहे, ढूंढते हुए गए। पुष्पवाटिका में पहुंचे, किशोरी जी का उपवन, बड़े सुंदर बहुरंग पुष्प लगे हैं। माली जी से पूछा, माली काका पुष्प तोड़ लें। माली ने कहा, महाराज आप क्यों कष्ट उठाएंगे, आपके कोमल कर चुभ जाएंगे पुष्प तोड़ने में, पंखुड़ी चुभ जाएंगी, लाओ हम तोड़ दें। बोले नहीं, गुरु जी की सेवा हम स्वयं करेंगे। बोले तो महाराज हम आपको बगिया में घुसने ही नहीं देंगे, फूल तोड़ना तो बड़ी दूर की बात। बोले क्यों, बगिया बिच जान न दी है राम जी बिनती सुनो, बगिया बिच जान न दी है बीच जान दी है राम जी बिनती सुनो, भैया बीच जान दी है राम जी बिनती सुनो। दल फूल तोरी हम लई है राम जी बिनती सुनो, दल फूल तोरी में क्यों नहीं जाने दोगे। माली बोला, कोमल चरण कमल बिनु पनही,
तुम्हारे चरण कमल बड़े कोमल हैं, पाँव में पनही है नहीं। कोमल चरण कमल बिनु पनही, बखुरी पायन गड़ी जई है, बखुरी पायन गड़ी जई है। राम जी बिनती सुनो बखिया भगवान। बोलिए मेरी निजी समस्या है, गुरु जी की सेवा में अगर पखुरी चुभ भी जाएगी तो हम उसे सहन करें, हमें जाने दो। माली बोला तो हमारे लिए भी तो समस्या है। बोले क्या? बोले चरण छुबत उड़ी गई शिला प्रभु, चरण छुबत उड़ी गई शिला प्रभु, पग छुवत बिटप कर छुवत बिटप उड़ी जई है, कर छुवत बिटप उड़ी जई है। राम जी बिनती सुनो बैया पित जान नदी हो, राम जी बिनती सुनो बैया पित जान नदी है, राम जी भगवान। बोले एक पौधा केवल छुएंगे, अगर उड़ गया तो दूसरा नहीं छुएंगे। बोले महाराज हम तो आपको जाने थे, लेकिन जो बगिया के भीतर हैं वो आपको घुसने नहीं देंगे। बोले बगिया के भीतर कौन है? बोले तजी तजी सुमन मधुप मतवारे, तजी तजी सुमन मधुप मतवारे। वो मतवारे भौरा जो फूलों पर झूल रहे हैं, जब वो देखेंगे आपका मुख कमल वो समझेंगे बहुत सुंदर फूल आ गया है, तो उन फूलों को छोड़कर आप में चिपट जाएंगे। तजी तजी सुमन मधुप मतवारे, तजी सुमन मधुप मतवारे, पंकज पे मल रही है, मुख पंकज पे मल रही है। राम जी बिनती सुनो मुख पंकज पे मल रही है, राम जी बिनती सुनो बगिया बिच जान नदी है, राम जी बिनती सुनो बगिया बिच जान नदी हो, आज भगवान बोले तो हमारी निजी समस्या है तो हमें जाने दो, भीतर भौरे चिपट जाएंगे कोई बात नहीं। बोले महाराज और खतरा है, बोले वहां सरोवर है, उसकी सीढ़ी संगमरमर की है। सरसों पान शिला पद पर सत, सरसों पान शिला पद पर सत, सरसों पान वो सरोवर है उसकी सोपान मैंने सीढ़ी संगमरमर की है, और जो ही पैर छुएगा तो क्या होगा? क्योंकि तो चरणों में पत्थर से नारी बनाने की शक्ति है। पद सोपान सरसोपान शिला पद पर सत, सरसोपान शिला पद पर सत, सब नारी बनी गई है, राम जी बिनती सुनो सब नारी बन गई है, राम जी बिनती सुनो बगिया बिच जान नदी है, राम जी बिनती सुनो बगिया बिच
लक्ष्मण जी बोले भगवान यहाँ तो समस्या ही समस्या है, कोई समाधान नहीं है क्या? मालिक काका बताओ कोई समाधान है? बोले है समाधान, मंत्र जपो तो प्रवेश मिल जाएगा। भगवान बोले हाँ हम मंत्र जप लेंगे। बताओ कौन सा मंत्र जपे? बोले आप जपो किशोरी जी की जय। बोले ये मंत्र तो हम नहीं जपेंगे, किशोरी की जय हम क्यों भला बोले? लक्ष्मण बोले ये नहीं जपेंगे हम, जपे ले। बोलो किशोरी मैया की जय। बगिया में प्रवेश हुआ और वहीं पर सीता जी से भगवान का साक्षात्कार हुआ। लोचन मग राम ही मुरानी, दीने पलक कपाट सयानी, प्रभु को हृदय में बसाया। भवानी भवन गई, मैया की विनती की, मैया ने भी कह दिया मन जा ही रांचो, मिले सोबर सहज सुंदर सांवर। स्वयंवर का अंतिम दिन व्यास भगवान लिखते हैं, यो लोक वीर समितौ धनुरई समुग्रम सीता स्वयंवर गृहे त्रिशतोपनीतम आदाय बाल गजली इवेक्षुयष्टिम सज्जीकृतम नृप विकृष्य बभंज मध्ये। 5000 बलवान ने मल्ल धनुष को अष्ट चक्रिका मंजूषा पर जो रखा था उसे खींच करके लाए हैं, वेदिका पर सुशोभित किया है। और तब जनक ने अपने बंदी जनों द्वारा पुण की पुनरावृत्ति कराई और उस समय पर आज राजा गण उठते हैं। तमक ताक तक शिव धनु धर ही उठे न कोटि भांति बल कर ही भूप सहस दस कहीं बारा लगे उठामन टरे नटारा। आज धनुष विशाल हो जाता है, जितने राजा उठाने आते हैं और बड़ा हो जाता है, विशाल हो जाता है। ऐसी स्थिति अब कोई भी राजा धनुष की ओर देखता नहीं। श्रीहत भय हारी ही राजा, सब श्रीहत हो गए तो जनक जी बड़े दुखी हुए और जनक जी ने कह दिया अब धरती पर कोई वीर नहीं रहा, अब जनक को माँ खे भटमानी वीर विहीन मही में जानी। बड़ा विलाप किया जनक जी ने और ये विलाप हमारे सुरेश जी बड़े बहुत अच्छा करते हैं जनक जी के अभिनय में। तो विलाप हुआ, अब धरती निर्वीर हो गई तो लक्ष्मण जी ने क्रोध किया, नहीं निर्वीर नहीं, हम तो धनुष को सैकड़ों योजन लिए जाएं। तब भगवान ने संकेत में बुलाया, विश्वामित्र जी ने सुसमय जानकर प्रभु को आज्ञा दी और भगवान सहज भाव से चले। सहज ही चले सकल जग स्वामी, सहज सकल जग स्वामी, मतबर कुंजर गामी, मतबर कुंजर गामी। सहज भाव में चले जैसे मतवाला बाल गजराज हो, आदाय बाल गज लील इवेक्षुयष्टिम, बाल गज की भांति मंद मंद भगवान जब चले तो सीता जी को ये मंद चलना अच्छा नहीं लग रहा। सीता जी सोच रही ये इनसे चला नहीं जाता, ये किस प्रकार से धनुष तोलेंगे भला। कार्तिक शुक्ल नवमी को प्रातः काल ये जब फूल तोड़ रहे थे तो उस समय इनके माथे से पसीना बह रहा था। लता ओढ़ तब सखीन लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए, श्याम सरोज बाम कर दोना, सांवर कुंवर सखी सुटिलोना, भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए। इतने कोमल इनसे धनुष भला कैसे टूटेगा। जानकी आज मैया पार्वती को मनाने लगी, भगवान शिव को मनाने लगी, गण नायक वरद आयक देवा आज मिला कीन स्तव सेवा। आज कहती है सीता मेरा भी एक प्रण है, तन मन वचन मोर प्रण साचा, रघुपति पद सरोज मन राचा, तो भगवान सर्व उर्वासी करहु मोहि रघुबर कैदासी। हे भोलेनाथ, हम भगवान राम को ही पद बनाना चाहते हैं, मैंने मानसिक वर्ण कर लिया है, नारद जी का भी यही कथन है, अम्बा का भी यही कथन है और मैंने प्रभु को पति रूप में मान लिया है। हे सखी मो मन में सजनी यह निश्चय, तातहु ते प्रण मेरो महा है, सुंदर शील
सुजान शिरोमणि राघव बसी मन मेरे रहा है। प्रीति पतिव्रत राख चुकी मुख भाख चुकी अपनो दुल्हा है। ओ चाप निगोड़ो अभय जरी जाए चढ़े तो चढ़े न चढ़े तो कहा है। अगर धनुष नहीं भी टूटेगा तो माला तो इन्हीं के गले में पड़ेगी। बिन भंजे उभव धनुष विशाला मेले श्री राम गुर माला, ऐसी लोगों की भी मानसिकता है। मिथिला के लोगों ने अपने हाथों में पुण्य एकत्र कर लिए, जो कुछ पुण्य प्रताप हमारे आज वो सब लग जाए। जितने भी हमने पुण्य किए हों तव शिव धन मृणाल कह नाई तो रही राम गणेश गोसाई। और भगवान ने देखा सीता बहुत विकल है। अरे देखी विपुल विकल बैदे देखी विपुल विकल बैदे निमिष बिहात कलप समते निमिष बिहात कलप समते सियहिं बिलोकित क्यो धनु कैसे सियहिं बिलोकित क्यो धनु कैसे चितव गरुण लघु व्याल ही जैसे चितव गरुण लघु व्याल ही जैसे गुरु ही प्रणाम मन ही मन की गुरु ही प्रणाम मन ही मन की राघव उठाए धनु ली अति राघव उठाए धनु ली तमके बदामिनी धीमि जब लय धनु धनु न भ्रमंडल सम भय लेत चढ़ावत खंचत गाढ़े लेत चढ़ावत खंचत गाढ़े काहुन लखा देख सब ठाढ़े काहुन लखा देख सब ठाढ़े कई जन मध्य राम धनु तोरा कई जन मध्य राम धनु करतल धोनी करें कई जन मध्य राम धनु तोरा हरे भुवन रघोर कठोरा हरे भुवन रघोर कठोरा बोले रामचंद्र भगवान की जय। और शतानंद जी ने आज्ञा दी भगवती सीता को। सतानंद तबायुष दीना सीता गमन राम पहकीना कर सरोज जय माल सुभाई विश्व विजय शोभाजन छाई। और भगवान के निकट पहुंची भगवान की शोभा देखने लगी। कैसे देखती हैं राम को रूप निहारे जानकी ये कंगन के नग की परछाई। सीता जी के हाथ में सोने का कंगन उसमें हीरा का नंग है उसमें राम की रूप मूर्ति को देख रही है। राम को रूप निहारे जानकी ये कंगन के नग की परछाई। तो सखियन के पग हार गए परसिय के द्रग हैं हारत नाही। बड़ा विलंब हो रहा है उस समय सखियां कहती हैं रघुवीर जी झुक जाओ झुक के माला पहन लो। वो कहते हैं मृगवंश की छत्री हैं पत्नी के आगे सिर नहीं झुकाते। मिथिला की नारियां कहती जब तक सिर नहीं झुकाओगे हाथ नहीं जोड़ोगे तब तक माला पड़ने वाली नहीं है आप सिर झुकाइए। लक्ष्मण जी को बड़ा खराब लग रहा हमारे भगवान से सिर झुकवा रही हैं। भगवान ने कहा लक्ष्मण तुम ये धराओ हमारा थोड़ा सहयोग करो। बोले क्या सहयोग करें महाराज माला आपकी पड़नी है सहयोग हम क्या करें। बोले सहयोग ये है कि तुम शेषावतार हो तुम धरती को उठा सकते हो तुम जहां सीता खड़ी उनकी धरती ऊपर उचका दो। कहा भगवान हम कर सकते हैं लेकिन करेंगे नहीं सीता हमारी माँ है आप पिता तुल्य हो आप दोनों के विवाह में पुत्र का कोई काम नहीं आप ही समझो। देखो लक्ष्मण पूरा समाज हमारी ओर देख रहा है तुम इतना सहयोग करो सीता वाली धरती उठाओ। बोले भगवान उठाएंगे तो आप भी उठ जाओगे क्योंकि वही और धरती तो पूरी उठेगी अभी थोड़े टुकड़ा थोड़े तो एक टुकड़ा उठा दे। बोले तो एक काम करो हमारे सीता धरती के बीच दरार डाल दो। बोले भगवान हम सब कुछ करेंगे लेकिन आप दोनों के बीच दरार हम नहीं डालेंगे दरार डालने काम नहीं करेंगे। अब बड़ा विलंब हो रहा माला नहीं पड़ रही। चतुर सखी बोली लक्ष्मण तुम कैसे भाई हो। लक्ष्मण बोले कैसे भाई। बोले पूरा विश्व जय जयकार कर रहा और तुमने अपने अग्रज बंधु के चरण भी नहीं छुए। लक्ष्मण बोले हमसे चूक हो गई। दौड़े लक्ष्मण और जाकर भगवान के चरणों में लौट गए।
और जब चरणों में लौट गए तो उस समय भगवान कहते उठो लक्ष्मण, अब वो नहीं उठे तो झुके, उठो लक्ष्मण, बोले तो बिना झुकाए झुक गए, पहना दो माला, पड़ गया माला। बोलिए श्यामर रामचंद्र की जय, रघुवर उर जय माल देखे देव बरस ही सुमन। और उस समय आज सखियां कहती हैं कि भगवान के चरण छू लो, लेकिन सीता जी चरण नहीं छू रही। गौतम तुये गति सुरति करी, नहीं परशत पग पानी, ही हर्षे रघुवंश मनि प्रीति अलौकिक ज्ञानी। सियावर रामचंद्र की अयोध्या से बारात आई, चारों भाइयों के यही विवाह हुए। और लिखते हैं व्यास भगवान, जित्वानुरूप गुणशील वयोंग रूपां सीता भिधाम अभि श्रियमरस्य भी लब्धमाना, मार्गे ब्रजन भृगुपते व्यनयत प्ररूढ़ दर्पम महीम कृतयस्त्रिर राज बीजाम। अब राम जी का विवाह जानकी से, लखन का विवाह उर्मिला से, भरत का विवाह मांडवी से और शत्रुघ्न का विवाह श्रुत कीर्ति से हुआ। ये जनक के भाई की दो कन्याएं हैं मांडवी श्रुत कीर्ति, जित्वान रूप गुणशील वयोंग रूपाम। और अब बारात वहां से विदा हुई तो मार्गे ब्रजन भृगुपते, मार्ग में भगवान परशुराम मिले। मार्गे ब्रजन भृगुपते विनयत प्ररूढ़ दर्पम हीम कृतयस्त्रिर राज बीजाम। मार्ग में भगवान परशुराम मिले और उनके आते ही पूरी सेना मूर्छित हो गई। और जब सेना मूर्छित हो गई तो उस समय भगवान परशुराम जब आगे बढ़े भगवान राम के पास, बोले राघव तुम्हारे वक्षस्थल पर हमारे प्रपितामह श्री भृगु जी की पादुका शोभायमान हो रही है। हम समझ रहे हैं तुम अवतार हो, नारायण के अवतार हो, ये भगवान ने बाल्यावस्था में हमें धनुष दिया था और ये परीक्षार्थ प्रस्तुत है। राम रमापति कर धुन ले, भगवान का धनुष दिया तो स्वयं खिंच गया। वंदना की भगवान परशुराम ने, महेंद्राचल पर्वत चले गए। बोले परशुराम भगवान की जय, बोले रामचंद्र भगवान की जय। महाराज अयोध्या आई, आगे महाराज व्यास भगवान लिखते हैं, यह सत्य पाश परिवीत पितुर निदेशम स्त्रैणस्य चापि शिरसा जगृहे सभार्या राज्यम श्रियम प्रणयिनो श्रुदो निवासम त्यक्त्वा ययौ वनमसूनिव मुक्त संगः। महाराज दशरथ जी ने गुरुदेव से परामर्श किया और कहा हमारे राम को राजा बना दो। तो महाराज ने कहा कल ही राजा बनाइए, इन देवताओं की कुमंत्रणा हुई, सरस्वती को भेजकर मंथरा की बुद्धि को विकृत कराया और राम की शपथ दिलाकर महाराज दशरथ से दो वरदान मांग लिए। पहले से मांगा, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु प्रथम बर भरत ही टीका, मांगहु दूसर बर कर जोरी, पुरवहु नाथ मनोरथ मोरी, तापस वेश विशेष उदासी, चौदह वर्ष राम बनवास। महाराज मूर्छित हो गए, बड़ा शोक किया, बहुत विलाप किया, कैकेयी को बहुत मनाया, कठोरता की मूर्ति कैकेयी नहीं मानी। तब परोक्ष रीत से आज्ञा हुई है और जित्वानुरूप गुणशील महाराज बताते हैं, यह सत्य पाश परिवीत पितुर निर्देशम, पिता के निर्देश को भगवान ने स्वीकार किया और सीता अनुज के साथ भगवान वन को चले। नगरवासी सब पीछे पीछे जा रहे हैं, तमसा पर प्रथम प्रवास हुआ, सोते हुए अयोध्यावासियों को वहीं छोड़ दिया और सुमंत के रथ पर बैठकर द्वितीय दिवस माँ गंगा के तट पर पहुंचे। और फिर भोर हुआ, केवट से नाव मांगी, मांगी नाव न केवट आना, तुम्हार मरम में जाना, कहीं तुम्हार मरम में जाना।
केवट से नाव मांगी। केवट भगवान से कहता हम तुम्हारा मर्म जानते हैं। लक्ष्मण विचार करने लगे भगवान का मर्म तो कोई नहीं जानता, मास दिवस कर दिवस भा मर्म न जाने को। एक श्रोता बोले लक्ष्मण तो जानते होंगे, जो कछु चरित रचे हु भगवाना उमा मरम लक्ष्मण हूं न जाना। लक्ष्मण भी नहीं जानते तो का शंकर जी जानते हो, का जग पेखन तुम देखन हारे विधि हरि शंभु नचावन हारे, ते उन जानत मरम तुम्हारा और सकल को जान नहारा। कोई नहीं जानता यह रहस्य, रघुनाथ कर बेग न जाने को, यह रहस्य काहू नहीं जाना, इनका कोई नहीं जानता। बोले जानते हैं, सो जान यही देव जनाई जानत तुम्हें तुम्हें हुई जाई, तुम्हारी कृपा तुम्हें रघुनंदन जानत भगत भगत गुरुचंदन, भक्त जानते। भगवान बोले केवट क्या जानते हो, वह आया बोला भगवान हमें जानते हैं, हमारी तुम्हारी जाति एक है। लक्ष्मण जी के तर्कस के बाण अपने आप ऊपर नीचे होने लगे, देखो इस मल्ला को मेरी जाति का बन रहा। बोले तुम्हारी जाति के नहीं है ये जो छोटे अवध किशोर, तुम्हारी जाति के हम नहीं है, जो सांवरे हैं मंद मंद मुस्करा रहे इनकी जाति के। भगवान बोले कैसे, केवट बोला हम केवट सरिता के नाथा और तुम केवट भव सागर साथा, तुम केवट भव सागर साथा। महाराज हमारे घाट नाथ जो आवे तुरत ही ताही नाव मिल जावे, तुम्हारे घाट जीव जब जई है तो सहजे ना ही उतर न पई है। तुम्हारे यहां सहज तारा नहीं होता, वहां पर बड़ी जांच परख है। खाता जन्म जन्म के बाची, गणित मिलावत झूठ और सांची। इसलिए हम आपको तभी गंगा पार उतारेंगे जब भवसागर से पार उतरने का आप यहां प्रमाण सुनिश्चित करें, वचन दें। यह विचारी मन में अनुमाना मांगी नाव न केवट अगला भाव बड़ा सुंदर है। केवट ने भगवान को देखा पूर्ण ब्रह्म राम सुख राशी, रूप अपार सकल जगवासी, संग शक्ति मम तट पर आए, केवट पुलक नयन जल छाए, जिय सोचत जो पार उतारो, दर्शन लाभ स्वयं में हारो, जेतिक देर नाव नहीं लाओ, भरि नयनन प्रभु दर्शन पावो, पार भये ये रुकिना पई है, संग सिय लखन दूरी चली जई है। यह विचारी मन में अनुमाना मांगी नाव न केवट आना, मांगी नाव न केवट आना। अगला भाव बड़ा सुंदर है पद्म पुराण का। केवट भगवान को देखते देखते उसे पूर्व जन्म का स्मरण हो आया, सोचने लगा पूर्व जन्म में कच्छप रहूं, पूर्व जन्म में कछुआ था, पूर्व जन्म में कच्छप रहूं, क्षीर सिंधु निवास तब ठहूं, एक बार प्रभु दिग चल गए देख रूप अति हर्षित भय, सैया शेष बनी अति पावन, तापर सोई रहे मन भावन। कमला चरण चाप सुख पावे, गरुण बैठ भी झर्ष बढ़ावे, कछुआ ऊपर चढ़ गया शेषनांग की सैया पर, चरण देखी मन अति अनुरागा,
शेष शयन आरोहन लागा। जब शेष नांग की सैया पर कच्छप चढ़ गया तो महाराज शेष नांग ने पुरस्कार मार दी, लखी पुरस्कार त्रास अति भारी और गिरे हो जाए पुण्य सिंधु मझारी। अब तो भगवान ने सोचा एक दिन कछुआ मेरे चरण छूने आया, बलवान शेष नांग ने पुरस्कार मार करके गिरा दिया है, एक बार ऐसा अवसर अवश्य दूंगा जब इन दोनों की उपस्थिति में ये हमारे चरण धोकर पी जाएगा और ये दोनों देखते रह जाएंगे। आज सोचता है केवट अब की बार स्वयं चली आए और केवट पुलकी नयन जल छाए, ये संग सिया लक्ष्मी को रूपा ये लक्ष्मण शोभित शेष स्वरूपा। इन देखत प्रभु चरण पखारो मानुष जन्म सफल करिदारो। लक्ष्मण की ओर देखा केवट भरी भरी मारे ताना और कहे कुमार मरम में जाना मांगी नाव न केवट। अगला भाव ब्रह्म विवट पुराण का है। ब्रह्मा के यहाँ शास्त्रीय संगीत हो रहा था, एक बार बिरंची के धामा सभा सुचि सरस ललामा होए तहां संगीत सुहावा होए तहां संगीत सुहावा वाद्य विशेष अनेक बजावा नामक गंधर्व ने मृदंग बजाया तो स्वर बिगड़ गया। ब्रह्मा ने शाप दे दिया वृक्ष हो जाओ, तेई काठ के नाव बनाई तुम्बुर बसे नाव महाई।